अनंत वक्ता, इन दिनों में देखिए क्यों नहीं सुन पाएंगे आप कोरोना से सावधान करती अमिताभ बच्चन की आवाज। स्वागत है आपका, मैं हूं पंकज उपाध्याय। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका अनंत वक्ता का यूट्यूब चैनल अनंत वक्ता टीवी। नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। ये वही आवाज है जिसने आपको महीनों महीनों तक कोरोना संक्रमण काल में फोन पर सुनाया है, किसी के फोन करते किसी के फोन आने तक। लेकिन अब यह आवाज आपको सुनने को नहीं मिलेगी क्योंकि इसकी नई जगह ले रही है जसलीन भल्ला की आवाज। बताते चले, जसलीन भल्ला दिल्ली से हैं और दशकों से वॉइस ओवर देती हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। इनका दिल्ली मेट्रो में उद्घोषण हिंदी में अंग्रेजी में सुना जा सकता है और इसे अब आप फिर से सुन सकेंगे अपने टेलीफोन पर। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें, हाथों को लगातार साबुन से धोएं। ऐसा इसलिए हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट में दायर एक याचिका में कहा गया कि अमिताभ बच्चन कोरोना वॉरियर्स नहीं हैं, इसलिए इनकी आवाज को फोन के कॉलर ट्यून से हटाया जाना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इस पर संज्ञान लिया और इसको तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की। अब आपके फोन में नई आवाज गूंजेगी जसलीन भल्ला की। मिलते हैं किसी नई खबर के साथ।